इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर अंग्रेजी में प्रोज के अंतर्गत दी हेरिटेज ऑफ इंडिया का पांचवा पार्ट बताने चल रहा हूँ। पांचवा पार्ट जिसमें लास्ट स्टेंजा लास्ट पैराग्राफ है, आप देखें लास्ट पैराग्राफ है, मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिस्ड। मच माने ज़्यादा से ज़्यादा, दैट वाज यूजलेस जो निरर्थक था, यूजलेस माने निरर्थक, इन एंशिएंट इंडियन कल्चर प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो अधिकाधिक अनावश्यक था, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज और हमारे देश की प्रगति में बाधक थी, विकास को जो रोकती थी, आपस में जो विभाजन पैदा करती थी, ऐसे अधिकाधिक तत्व जो हैं हैज ऑलरेडी पेरिस्ट, पहले ही हटाया जा चुका है। हैज ऑलरेडी पेरिस्ट, पेरिस्ट माने हटा दिया जाना, पहले ही हटाया जा चुका है। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबरस हेक्टम्स ऑफ द वैदिक एज, द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबरस जो काफी बर्बर क्रूर वैदिक एज में मानववली थी, मानववली यानी वैदिक पीरियड में मनुष्य की बलि चढ़ा दी जाती थी। तो मनुष्य की बलि चढ़ाई जाती थी तो उसमें कौन से मनुष्य चढ़ा दिए जाते थे, जो बेचारे गरीब थे, कमजोर थे, उनको पकड़ करके जो शक्तिशाली लोग थे उनकी बलि चढ़ा देते थे। तो इससे समाज में इक्वालिटी नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी, तो ये चीज जो है बहुत पहले इस पर रोक लग चुका है, बहुत पहले इसे भुलाया जा चुका है, यानी मानव बलि बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, हाँ कुछ वर्गों में अभी भी एनिमल सेक्रीफाइस पशु बलि प्रचलित है, यानी कुछ वर्गों में लोग, कुछ जातियों के लोग, कुछ वर्ग के लोग अब भी जो है पशु बलि करते हैं। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्नड ऑन देयर हस्बैंड्स पायर, विडोज माने विधवाएं, हैव बीन लॉन्ग बहुत पहले सीज्ड रोकी जा चुकी हैं, टू बी बर्नड जलने से, ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स अपने पति के पायर्स माने चीते पर, यानी अपने पति के चीतों पर जलने से बहुत पहले विधवाएं रोकी जा चुकी हैं। पहले ये कुरीत थी हमारे देश में, विशेष करके अपर वर्ग में, कि पति के मर जाने के बाद पत्नी को उसके चीते पर जीते जल जाना पड़ता था, लेकिन इस पर भी रोक लग चुका है। राजा राम मोहन राय ने के प्रयास से ये पूर्णतया बैंड है, प्रतिबंधित है, आज कोई भी विधवा अपने पति के साथ चीते पर नहीं जलती है। गर्ल्स मे नॉट बाई लॉ बी मैरिड, और लड़कियां जो हैं वो अब कानूनी तौर से बचपन में इनका विवाह नहीं हो सकता है, अर्थात इसके लिए नियम बन चुका है अब कि बाल विवाह पर पूर्णतया रोक लग चुका है। अब लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, अगर इससे नीचे विवाह होता है तो बाल विवाह है और अपराध है। इन बसेज एंड ट्रेन्स, बस और ट्रेन में, ऑल ओवर इंडिया पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मिन्स, अब ब्राह्मण भी रब सोल्जर्स विद द लोएस्ट कास्ट, सबसे नीची जाति के साथ भी बस में ट्रेन में कंधे से कंधा मिला करके चलता है, विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, बिना
भयंकर प्रदूषण के भय के, यानी बिना प्रदूषण के भय के कंधे से कंधा मिला करके चलता है। अर्थात अब ब्राह्मण भी सभी जातियों के साथ बस में यात्रा करता है। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाइला, मंदिर सभी के लिए कानूनी तौर पर खोल दिए गए हैं। अर्थात जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी जात के आधार पर किसी को भी मंदिर जाने से रोका नहीं जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर में जाने का पूर्ण अधिकार है। कास्ट इज वेनिशिंग, जाति प्रथा धीरे धीरे गायब हो रही है। द प्रोसेस बिगैन लॉन्ग एगो, यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुई, बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन आज इसकी गति इतनी तेज है, आज इसकी गति इतनी तेज है दैट कि द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स, अधिक से अधिक जो आपत्ति पैदा करने वाले तत्व हैं ऑफ कास्ट, जात से संबंधित, मे हैव डिसअपीयर्ड, वो गायब हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं विद इन ए जनरेशन आर सो, एक दो पीढ़ियों के बीच में ही समाप्त हो गए। The old family system is adopting, और ऐसे परिवार जो पुरानी प्रथा को अपनाए हुए थे, पुरानी प्रथा को नहीं छोड़ते थे, itself to present day conditions, वो भी अब वर्तमान दशा को अपना रहे हैं, अभी वो भी वर्तमान स्थिति को अपना रहे हैं, यानी नई प्रथा को, नई पद्धति को धीरे धीरे अपना रहे हैं। In fact, वास्तव में The whole face of India is altering, वास्तव में भारत का पूरा चेहरा बदल रहा है। But the cultural tradition continues, लेकिन जो हमारा सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो जारी रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, एंड और वह कभी भी समाप्त नहीं होगा। यानी हमारा बाह्य चेहरा बदल जाएगा, बदल रहा है, लेकिन जो हमारा सांस्कृतिक चेहरा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हमारी संस्कृति में के जो मूल सिद्धांत हैं, जो हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं जिस पर आधारित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नाउ इन दिस पैराग्राफ The writer says that, describes that most of the useless things related to our culture and those things were objectionable, those elements were objectionable and those elements stopped to flow the current of progress and development of our country, those elements have already been perished, all those elements who checked and stopped the free flow of the current of Indian culture, the progress they checked the flow of the progress in Indian culture, they have already been perished and stopped and they have been bent. The cruel and barbarous human sacrifices of Vedic age
हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन. इट मीन्स दे हैव लॉन्ग बीन स्टॉप्ड. ऑल्दो द राइटर सेज दैट द एनिमल सेक्रीफाइसेज आर कंटिन्यूड इन सम सेक्ट्स इन सम क्लासेज इवन टूडे. इवन टूडे द एनिमल सेक्रीफाइसेज आर कंटिन्यूड इन सम सेक्ट्स एंड सम क्लासेज. नाउ विडोज हैव लॉन्ग बीन सीज्ड टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स. नाउ एट प्रेजेंट नो विडो बर्न्स हरसेल्फ ऑन द पायर ऑफ हर हस्बैंड. इट इज बेंट बाई लॉ. इट वॉज ए कस्टम इन ओल्ड टाइम वेन एवर ए मैन डाइड इट वॉज ए फैशन दैट हिज वाइफ हैड टू बर्न ऑन हिज पायर. बट इट हैज बीन ऑल्सो बेंट. नाउ नो विडो बर्न्स हरसेल्फ ऑन द पायर ऑफ हर हस्बैंड. गर्ल्स मैरिज चाइल्ड मैरिज इज ऑल्सो बेंड बाई लॉ. नाउ नो गर्ल्स इज मैरिड इन हर चाइल्डहुड. नाउ इट इज द रूल दैट द नो गर्ल्स शुड बी मैरिड बिफोर 18 ईयर्स ओल्ड एंड नो बॉय शुड बी मैरिड बिफोर 21 ईयर्स ओल्ड. He also says that in buses and trains, even the great Brahmins also travel with low caste people without the fear of grave pollution. They travel with low caste people. Without the fear of pollution. And the writer says that the temples are also open to all by law. It means that no one can be banned. To enter the temple on the base of his caste. Okay, he cannot be checked, he cannot be stopped. If a man belongs to low caste, he cannot be checked to enter the room on the basis of his low caste. It means everyone is entitled to worship God in temple today. Caste is vanishing. Caste is vanishing, disappearing. And this process began long ago, but today its pace is very rapid, and most of the objectionable things, most of the objectionable features related to caste and class are now in no practice in India. They are banned. And
दे हैव बीन डिसअपियर्ड. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स विच वेयर इन द विच वेयर विच चेक्ड द फ्लो ऑफ द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर हैव बीन डिसअपियर्ड विदिन वन आर टू जनरेशंस. एंड ही ऑल्सो सेज द ओल्ड फैमिली द फैमिली विच वेयर द फॉलोइंग ऑफ ओल्ड सिस्टम आर नाउ एडॉप्टिंग द प्रेजेंट डे कंडीशंस. दे ऑल्सो एडॉप्टिंग दे आर ऑल्सो एडॉप्टिंग द प्रेजेंट डे कंडीशन. सो द राइटर सेज दैट द होल फेस ऑफ इंडिया इज चेंजिंग बट द कल्चरल ट्रेडिशन द कल्चरल फेस विल ऑलवेज कंटिन्यू. इट विल नेवर स्टॉप. इट विल रिमेन कंटिन्यू. आउटवर्ल्ड फेस ऑफ इंडिया इज चेंजिंग altering, but the inner face of India will never be changed. The inner face means the traditional face, the cultural face of India will never be changed. It will always continue. तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में बताया. और अब आपका जो है ये पूरा ये पाठ समाप्त हो गया. मुझे आशा है कि आप इसको पूर्णतया समझे होंगे अच्छी तरह से. इस वीडियो को कई बार देखें कई बार पढ़ें तो ये चीज़ समझ में आएगी. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद.